हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स बाय नीरज सिंह। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज का आप टॉपिक देख रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज अ स्टैंडर्ड मोड। ठीक है स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड मोड। और एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टैंडर्ड मोड, मोल की स्पेलिंग एम ओ एल ई है। वर्ड्स में तो एम ओ एल ई बोलेंगे, लेकिन जैसा जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम ओ एल होता है, इसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्टूडेंट एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड मोल जो है इट इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना है मोल, तो आज मैं आपको वो क्लियर करूंगा। तो देखिए, ऐसा स्टैंडर्ड होता क्या है मोल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, हमें कार्बन एटम के बारे में जरा सोचना पड़ेगा। कार्बन एटम, वो वाला कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, यानी एटॉमिक वेट कार्बन का अगर 12 वाला, तो वो वाला लेंगे, क्योंकि कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन 12 का लिया, और कार्बन 12 के आपने एटम्स लिए एज ए वेट की तरह, उसको एज्यूम कीजिए कि एज ए वेट है, और उसको आपने 0.012 केजी या 12 ग्राम, अगर 12 ग्राम कार्बन 12 आपने ले लिया, कार्बन 12 12 ग्राम ले लिया, तो 12 ग्राम का जो, अगर आप एक एक करके एटम्स को आप काउंट करेंगे ना, अगर एक एक करके काउंट करेंगे तो वो आएगा 6.022045×10^23 एटम्स आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इतने एटम्स आएंगे, और इस ये जो नंबर है 6.022045×10^23, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। ये क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो। और ये बिल्कुल फिक्स है, और कार्बन 12 नहीं, कोई भी चीज, अभी मैं आपको और बताने जा रहा हूं। तो कार्बन 12 का अगर आप 12 ग्राम लेंगे तब तो इतना होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें एक वर्ड आया एंटिटीज। एंटिटीज मतलब इसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी होते हैं, नंबर ऑफ आइंस भी हो सकते हैं, इसलिए उनको तीनों को कंबाइंडली हमने क्या बोलते हैं, एंटिटीज वर्ड यूज किया। ठीक है, एक बात ये। दूसरी स्टूडेंट ये कि मोल भी दो तरह के हो सकते हैं। अगर आपने केवल कार्बन के केवल 12 ग्राम लिए, कितने लिए आपने 12 ग्राम, ये देखिए लिखा हुआ, अगर 12 ग्राम अगर आपने जो है कार्बन आपने लिया है 12 ग्राम जस्ट ओनली, तो ध्यान रखिएगा, तो इसका नंबर होगा 6.022045×23 या 23 होगा। तो इसको इस ये नंबर है एवोगाड्रो नंबर, ये जो एक मोल है, इस मोल को बोला जाता है ग्राम मोल। क्या बोला जाता है? ग्राम मोल, क्योंकि आपने 12 ग्राम कार्बन लिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 12 केजी कार्बन लिया, देखिए ध्यान रखिए क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला 12 केजी कार्बन, अगर कार्बन एटम्स के आपने 12 केजी ले लिया, तो 12 केजी तो यही एवोगाड्रो जो कांस्टेंट, ये वैल्यू बदल जाएगी, ये 6.022×0.045×10^26 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा 26 हो जाएगी, और ये जो है इसको बोलेंगे आपको 1 केजी मोल। क्या बोलेंगे इसे? 1 केजी मोल, और अगर ग्राम में लिया तो ये क्या है? 1 ग्राम मोल। ठीक है स्टूडेंट, समझोगे? एक चीज और है मोल को, मैं और जरा इलेबोरेट आपको करते हैं, आगे केमिस्ट्री भी काम आएगा। देखिए, किसी भी एनी कंडीशन, यानी एनी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ भी हो, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी, अगर उनके नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी या तो एटम्स के नंबर, यानी कि एंटिटीज मतलब यानी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये जो है अगर आपने ये एंटिटीज कोई भी, या आइंस, अगर आपने 6.022045×10^23 लिया, कितना लिया 23, अगर आपने एवोगाड्रो नंबर यानी एवोगाड्रो कांस्टेंट के बराबर आपने ये एंटिटीज एटम्स मॉलिक्यूल्स को आपने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो वो जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो आपके 1 मोल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? 1 मोल। और 23 तो आप समझेंगे कि ये कौन सा मोल है, ये कहलाएगा ग्राम मोल। ठीक है स्टूडेंट, समझोगे? दूसरी चीज है, मगर अगर पर्टिकुलर कोई गैस है, और गैस भी किसमें? एनटीपी पर। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एनटीपी या एसटीपी, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, या इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या एसटीपी या एनटीपी में अगर कोई गैस ली, तो वो कितना होता है ये आपको बता दें, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन। अगर 273 केल्विन और 1 atm अगर प्रेशर है, तो ये कंडीशन कहलाती है एनटीपी या एसटीपी। तो एनटीपी एसटीपी भी कोई गैस, केवल गैस की बात कर रहे हैं, गैस का अगर वॉल्यूम, ये क्या लिखा? वॉल्यूम है, देखिए यहां लिख लीजिए आप लोग वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर, कितना बोला मैंने? 22.4 लीटर होगी, तो ऑटोमेटिक ध्यान रखिएगा उसमें जो है हमारे जो क्वांटिटी है 22.4 लीटर गैस एनटीपी का, वो कहलाएगी 1 ग्राम मोल। क्या कहलाएगी? 1 ग्राम मोल। और इसमें भी एवोगाड्रो नंबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, या आप इसको एमएल में ले सकते हैं, 22,400 ml भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एनटीपी एसटीपी गैस अगर आपने 22.4 लीटर ली, तो वो 1 ग्राम मोल के बराबर होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है स्टूडेंट, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर इनकी जो भी है एनी कंडीशन, चाहे प्रेशर कम हो ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिया, ध्यान रखिएगा, सपोज जैसे आपने लिया वाटर, वाटर आप जानते हैं H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना था? 18। तो अगर आपने 18 ग्राम आपने वाटर ले लिया,
तो इट इज इक्वल टू वन मोल, ये चीज ध्यान रखेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमने जैसे ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, सीओ टू आप लोग जानते हैं सीओ टू का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 44, कितना होता 44, तो 44 ग्राम अगर आपने सीओ टू ले लिया तो ये भी कहलाएगी वन मोल, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। यानी मॉलिकुलर वेट, एटॉमिक वेट, उनके जो वेट है उनको ग्राम में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ग्राम में क्वांटिटी ले लीजिए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप लोग लिखते हैं O2, तो यानी 32 उसका होगा मॉलिकुलर वेट होगी। तो अगर आपने किसी कंटेनर में 32 ग्राम, क्या बोला मैंने, 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन ले ली तो वो भी आपके क्या कहलाएगी, वन मोल कहलाएगी, क्लियर हो गया। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी चीज के किसी भी मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट अगर आप ग्राम में लेते हैं तो वो ग्राम में भी आपको वन ग्राम मोल कहलाती है। तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ग्राम मोल को बहुत अच्छी तरह से मैंने तीन तरह से बता दिया, सॉलिड लिक्विड गैस एनटीपी में और सॉलिड लिक्विड गैस वैसे करके, और पूरी तरह से मैंने एलिब्रेट। तो स्टूडेंट जैसे कि आज का जैसे कि आप टॉपिक आप देखे स्टैंडर्ड मोल था, तो आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक मेरा उम्मीद है। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो इसको बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अगर हो गया तो सब्सक्रिप्शन करेंगे, ठीक है हो गया स्टूडेंट। और बाकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं या मुझे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।